जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के बारे में। हम जानेंगे कि IRF हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आने वाले भविष्य में अगर कोई युद्ध हुआ तो हमें ये कितना बड़ा बेनिफिट पहुँचाएगी, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत की जैसी स्थिति है, हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान का चैलेंज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं आने वाले निकट भविष्य में चीन की तरफ से जो चैलेंज होगा वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि चीन ना सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो भी इस समय चरम पर है। अगर हम चीन की सेना की बात करें तो एक तरफ चीन की जो कन्वेंशनल आर्मी है वो तो अपनी ताकत को बढ़ा ही रही है, लेकिन चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है ये भी अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा रही है और इस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड बेस्ड कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बन चुकी है। दरअसल ये PLA की सेकेंड आर्टिलरी फोर्स से इवॉल्व हुई है और इस समय ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरह एक सर्विस के रूप में सामने आई है। एक डेटा के हिसाब से वर्ष 2017 से 19 के बीच में PLA RF का जो साइज है वो तकरीबन 33% बढ़ा है, जो कि इस समय इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चीन किस प्रकार अपनी जो रॉकेट फोर्स है उसको मजबूत कर रहा है और उसमें जो नए वेपन्स हैं उनको ऐड भी कर रहा है। चीन की जो रॉकेट फोर्स है उसमें अलग अलग प्रकार के कन्वेंशनल, मोबाइल और ग्राउंड लॉन्च, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं वो भी इनके रॉकेट फोर्स का हिस्सा है, जो कि एयर और जो दूसरी स्ट्राइक्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी कि इनके आने के बाद चीन की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये समस्या कितनी विकट है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भविष्य में अगर युद्ध हुआ तो उसके जो तरीके होंगे वो काफी उलट पुलट होंगे। पहले हमारी मेन बिल्डिंग्स अटैक की जाएंगी, जिसमें हमारे कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो सकती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकते हैं, या फिर हमारी जो एयरफील्ड हो गई या दूसरी ऐसी बिल्डिंग जो युद्ध को कंट्रोल करती हैं उन पे एनिमी के द्वारा पहले अटैक किया जाएगा। दूसरी जो अटैक वेव होगी वो ऑटोनोमस ड्रोन्स की होगी, जिनका मुख्य तौर पर टारगेट होंगे हमारे एयर डिफेंसेस, हमारे आर्टिलरी सिस्टम्स, मिसाइल बेसेस, टैंक फॉर्मेशन, रॉकेट या आर्टिलरी गन्स हो गई, इनको टारगेट किया जाएगा ताकि हमारे जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और इस बात पर जोर देते हुए पूर्व थल सेना प्रमुख ने कहा था, रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने इसी चीज का जो प्रमाण है वो देखा है, क्योंकि हमने गौर करने पर ये देखा कि दोनों की तरफ से पहले एक दूसरे के जो एमुनिशन या फिर ऑयल डिपो थे ये टारगेट किए गए, उसके बाद जो मिसाइल बेसिस थे उन पे अटैक किया गया, या फिर दूसरे साजो सामान जो कि युद्ध के लिए जरूरी होते हैं उन पे अटैक किया गया। और यही जो रणनीति है ये आने वाले भविष्य के युद्ध में हमें देखने को मिलेगी और इसलिए हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा, इसलिए भारत के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि भारत अपने लिए एक क्रेडिबल और सेंट्रलाइज रॉकेट फोर्स का गठन करे, जो कि चीन के आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको इजीली काउंटर कर सके और भारत की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सके, क्योंकि हम सब जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात कैसे हैं और कैसे इस समय हमारा दुश्मन उस ताक में है कि कैसे उनको एक मौका मिले और वो हमारे ऊपर अटैक कर सके। तो इन सारी चीजों को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमारी जो रॉकेट फोर्स है वो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, जहां पर हमारे जितने भी मिसाइल एसेट्स होंगे उनका कंट्रोल एक डेडिकेटेड फोर्स के पास होगा और इससे एनिमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके जो मिसाइल बेसिस हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट एसेट जो कि युद्ध में हमारे लिए घातक साबित हो सकते हैं उनको हम समय रहते ही तबाह कर सकेंगे। खैर, पिछले कुछ वर्षों में हमने एक चीज तो देखी है कि भारत लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है और भारत के द्वारा लॉन्ग और शॉर्ट रेंज के जो कन्वेंशनल मिसाइल हैं, जो कि नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल में काफी महत्वपूर्ण हैं, उनका निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है। और आपको तो याद होगा सितंबर 2021 में भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय विपिन रावत सर ने कहा था कि भारत इस समय रॉकेट फोर्स के गठन के लिए तैयारियों को शुरू कर चुका है, जो कि हमारे देश की मिसाइल्स को कंट्रोल और मेंटेन करने की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी और जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम होंगी। दरअसल हमारी जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है ये काफी हद तक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से अलग होगी,
क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है इनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को संभालने की, और इनके पास जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जैसे कि पृथ्वी 2 हो गई, शौर्य हो गई, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, अग्नि 4, ये सारे मिसाइल्स की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास होती है। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ये सबमरीन लॉन्च वो मिसाइल जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है उनकी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करती है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल मिसाइल है उनको शामिल किया जाएगा जैसे कि प्रलय मिसाइल। अब अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें, भारत की जो ये डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स होने वाली है उसका ये मेन एलिमेंट होंगी, क्योंकि ये एनिमी अटैक में या एनिमी को मार गिराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी, और ये लॉन्ग रेंज के जो थ्रेट्स हैं उनको भी इजीली काउंटर करने में सक्षम होंगी। और हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है इंडियन एयरफोर्स को 120 की संख्या में प्रलय मिसाइल्स को खरीदने की वो दे दी गई है, और माना जा रहा है कि आगे चल के दो और यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा जिसमें तकरीबन 250 के आसपास प्रलय मिसाइल होंगी और ये इंडियन आर्मी के लिए होंगी। प्रलय मिसाइल एक कैनेस्टराइज टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है जो कि एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होगी यानी SRBM होगी, और इसे रशिया की 9K720 इस्कंदर मिसाइल से कंपेयर किया जाता है रेंज और ट्रेजेक्ट्री के मामले में। हालांकि अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल से तो ये उनकी तुलना में सुपीरियर होगी, क्योंकि ये एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम प्रलय मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक होने वाली है, और ये चीन के जो एयर बेसिस हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बेसिस हैं, या फिर रेडार साइट्स हैं, या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स हैं LAC के पास, उनको इजीली डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगी। भारत इस समय अलग अलग जो मल्टीपर्पज टनल्स हैं उनका निर्माण बॉर्डर स्टेट्स में कर रहा है जहां पर ये लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोर किया जाए जिससे किसी प्रकार के एनमी के संभावित अटैक से भी इनको बचाया जा सके। प्रलय मिसाइल के अलावा भारत इस समय लॉन्ग रेंज की जो क्रूज मिसाइल है इन पे भी काम कर रहा है जो कि रॉकेट फोर्स में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। दरअसल ये जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल होने वाली है इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और ये निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ही एक डेरिवेटिव होगा। दरअसल मौजूदा समय में DRDO इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर काम कर रहा है जो कि 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में होगा, और इसको पावर करने के लिए इंडिजिनस स्मार्ट टर्बोफैन इंजन यानी STFE इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 400 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट क्लास का होगा। DRDO की रिपोर्ट माने तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की जो टाइमलाइन थी वो जुलाई 2023 थी, और इसमें जो कार्य है वो प्रगति पर है। माना जा रहा है कि बाद में इस प्रोग्राम के और भी कई जो अहम हिस्से हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें लैंड, एयर, सरफेस और सब सरफेस बेस्ड जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलने वाली है। इन मिसाइल्स को लेकर के कहा जाता है कि इनकी जो अनुमानित रेंज होगी वो तकरीबन 1500 किलोमीटर की होगी, और ये चाइनीज टेरिटरी में अंदर घुस करके अटैक करने में सक्षम होंगी, और इनको लॉन्च करने के लिए इंडियन नेवी के जो ब्रह्मोस यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल्स हैं उनकी सहायता ली जा सकेगी, और इन्हें Sukhoi-30 MKI के जो लॉन्चर्स हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे भी लॉन्च किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि जो लैंड बेस्ड वेरिएंट होगा वो टिपिकल ट्रक माउंटेड सिस्टम होगा जहां पर इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं अगला जो मेन कंपोनेंट होगा इस पूरे रॉकेट फोर्स का वो होने वाला है 800 किलोमीटर तक दूर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी हाँ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत की तीनों सर्विसेज के द्वारा एंडर्ट की जा चुकी हैं, और इनकी जो रेंज है वो क्रमशः 290 से लेकर के 450 किलोमीटर तक की है। लेकिन इस समय ब्रह्मोस को लेकर के DRDO काफी ज्यादा काम कर रही है, और माना जा रहा है कि अगली जो मिसाइल डिप्लॉय करी जाएगी ब्रह्मोस उसकी रेंज तकरीबन 800 किलोमीटर की होगी, और DRDO इस समय एक लाइट वेट ब्रह्मोस पे भी काम कर रहा है जिसको हम ब्रह्मोस NG के नाम से जानेंगे, जो कि काफी कैपेबल मिसाइल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी भारत के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के बारे में, इसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं उनके बारे में, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, और हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।